वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए एक मॉडल पेपर लेके आए, जो कि बेहतरीन मॉडल पेपर है। रेगुलर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर हमारे समय शूट हो रहे हैं और अपलोड भी हो रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो बच्चों, इन मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको ज़रूर नोट किया कीजिए, ज़रूर अपने कलेक्शंस में इसको शामिल किया कीजिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा इनको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा एक बार। और शत प्रतिशत ये याद रखिए कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं मॉडल पेपरों से आएंगे, इसलिए ध्यान से इसको जरूर रखा किया कीजिए। ठीक है, तो देर ना करते शुरू करते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात कर लें, हमारा ये मेजर कल्सी लर्निंग ऐप है, जो कि आप देख सकते हैं हर बच्चे के मोबाइल में। ये एक फ़ौजी जो भी एक बनना चाहता है, जो डिफेंस की तैयारी करना चाहता है, वो सब के मोबाइल में ये ऐप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का डिफेंस का ऐप नहीं है। आप इतना याद रखिए, जाके प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड करिए, और इस समय अगर आप देख सकते हैं तो 50% का इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है, और एक बेहतरीन तैयारी ऑफलाइन जैसी स्टडी ऑनलाइन में बिल्कुल लाइव क्लास, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, एक एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर, और क्या चाहते हैं, सब कुछ आपको दिया जाता है। तो इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इस समय एडमिशन भी ओपन है। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? अपने क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित मात्रकों की लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। कैसा क्रम लिखना है? बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम कैसे देखें? अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10^-10। माइक्र॔न की बात करते हैं, 10^-6। नैनो की बात करते हैं, 10^-9। तो सबसे अगर बड़ा इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा दो नंबर माइक्रॉन। फिर उसके बाद अगर हम बोलें तो कौन है? नैनोमीटर। और सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? वन है। तो आपको बढ़ता हुआ क्रम दिखाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? 1, 2, 3। देखिए क्या, जैसे जैसे जाएंगे ये क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो कौन सा आंसर है? ए आंसर क्या है? सही है। समझ गए? चलो नेक्स्ट। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एन, एन का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश पर लंब है। मतलब दो सदिश अगर लंब है, अगर दो सदिश लंब है मान लीजिए, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो। वो क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। तो अगर हम देखते हैं, एक वेक्टर हमारा 2i-3j+k है, 2i-3j+k है, और जो दूसरा वेक्टर है वो हमारा कितना है? 3i+4j+nk है। बोलो, अगर ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। 4 × 3 कितना हो गया? 12। और यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? n, ये 0। 6 × 12 = -6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 6। बोलो सही है। तो n का वह मान, n का कौन सा मान? n की वैल्यू 6 पर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो कौन सा आंसर सही है? डी आंसर क्या है? इसका सही है। तो बच्चों समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो। ठीक, अगर दूरी अगर शून्य हो, इसका मतलब हमने चला ही नहीं है, हम किस में हैं? रेस्ट। दूरी, दूरी का मतलब तो तभी होगा ना जब हम चलेंगे। जब हम चले ही नहीं है तो दूरी क्या है? कुछ नहीं, खाक नहीं है। तो जब चले ही नहीं है तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? तो इट मस्ट बी जीरो। पूछा क्या है? तो विस्थापन क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या होगा? मस्ट बी जीरो। बोला क्या है कि अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा? अबे जब चले ही नहीं, तो दूरी नहीं, तो विस्थापन क्या? खाक होगी? नहीं, विस्थापन भी जीरो। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला क्या, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? तो प्रक्षेप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रक्षेप की बात करते हैं, ये प्रक्षेप है, हर जगह इसकी वैल्यू, हर जगह इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? जी होगी। बोलो, होगी हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी? जी। और जी के वजह से ही देखिए, अगर आप ध्यान कर सकते हैं, ये किस तरीके का मोशन है? ये फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड है। तो हर बिंदु पर क्या होगा? जी होगा। और जी के वजह से ही क्या होगा? ये बॉडी नीचे भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला क्या है,
जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप देख सकते हैं कोई भी जेट इंजन अगर हम बात करें, जैसे रॉकेट होता है, ठीक, जेट इंजन संरक्षण, किस संरक्षण पे, रॉकेट का अगर हम बात करें तो किसी, क्या धक्का दे के ऊपर ले जाते हो क्या? ना भैया, वो अपने इंटरनल फोर्सेस के वजह से वो क्या करता है, कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। तो नेट फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारा, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। तो जेट इंजन किस कंजर्वेशन पे चलता है, किस प्रिंसिपल पे चलता है, तो आप बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक फोर्स है, एक फोर्स है 6i + 2j - 3k, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट दिया है 2i - 3j + xk, बोला दिया है। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि वर्क जीरो, तो वर्क जीरो इसका मतलब F और S का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। तो कितना हुआ, 6 × 12 = 3 × 6, और ये कितना -3x, ये क्या होगा, जीरो। 12 में 6 गया 6 हो जाएगा, -6 ही हो गया, -3x, तो इज इक्वल टू, तो 6 = 3x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3 × 6। तो कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग क्या होता है, तो देखो आपने पढ़ा होगा बच्चों, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। अब देखो r क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी है। तो क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या है, सही हो जाए, क्योंकि इनके बीच आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, ठीक, ये बच्चों हम बात करें, ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा MKC पब्लिकेशन है, ठीक है, जिसमें एयर फोर्स, नेवी, ICG, आप किसी भी तरीके की बुक आप परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, और एक बेहतरीन बुक है, जिसमें अगर आप इस तरीके की बुक मार्केट में नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके की बुक अगर आप बात करें, इसमें क्या है, प्रत्येक चैप्टर में सब टॉपिक वाइज, जैसे आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करें तो आपको कहीं भटकना नहीं है, एक्सरसाइज में जाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बकायदा ऐसे लिखा हुआ है, और सारे क्वेश्चन एक लाइन से अरेंज हैं, ठीक। अधिकतर बुकों में क्या होता है, हम पढ़ते तो हैं मगर एक्सरसाइज नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिखरे होते हैं। दूसरा, विविध प्रश्नों का बेहतरीन, मतलब आप बात करते हैं मिसलिनियस जो क्वेश्चन होते हैं, मिसलिनियस कई टॉपिक को मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलग एक सेक्शन, मतलब हर चीज़ को मैंने, हम लोगों ने सिस्टमैटिक बिल्कुल आपको दिया है, कहीं भटकना कुछ भी नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब लिखा है, आपको बस पढ़ना है। और ये कहीं ना कहीं एक अनुभवी टीचरों के द्वारा बनाया गया है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी डाला गया है, जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल सके कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, है कि नहीं है। तो बच्चों इस समय आप देख सकते हैं 25% का डिस्काउंट चल रहा है, और फ्री शिपिंग है, कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी आपको कुरियर को कोई पैसा, जैसे होता नहीं है कि भाई कैश ऑन डिलीवरी आप मंगाते हो तो आपसे कुछ भी नहीं होता है, कैश ऑन डिलीवरी कोई चार्ज नहीं होता, फ्री शिपिंग है, तो आप मंगा सकते हो। और बेहतरीन, ये चीज़ जान लीजिएगा, बहुत बेहतरीन बुक है, आप इसको मंगाइए और पढ़िए, और अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित करिए। क्वेश्चन नंबर 8, बोला क्या है, पृथ्वी के परिता आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल टी है, ठीक, आर त्रिज्या पे कोई उपग्रह है, इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब एक चक्कर में लगने वाला समय टी है, अगर यही 4r हो जाए तब कितना परिक्रमण काल होगा, तो मान लो टी डैश, कितना होगा टी डैश, यही आपको बताना है। अब मुझको ये बताओ, केपलर ने क्या बोला था, केपलर ने ये बोला था कि t² ∝ r³, तो अगर हम इसको मान लेते हैं, दूसरे वाले को मान लेते हैं t₁ मान लेते हैं, दूसरे वाले का रेडियस कितना है, 4r है, r³ से r³ कट गया, t/t₁ का क्या होल स्क्वायर, और ये 4 चौक कितना होगा, 16 × 64, ये हो जाएगा 64, और ये स्क्वायर है, ये इधर आएगा, रूट बन जाएगा, तो 64 किसका रूट है, 8 का रूट है, बोलो है कि नहीं, तो इसका मतलब t₁ की वैल्यू हो जाएगी 8t, कौन सा आंसर है, डी आंसर क्या है, सही है, क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला, यदि दो समान द्रव्यमान तथा घनत्व वाले दो द्रवों d₁ एंड d₂ को मिलाया जाए, तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा। देखिए
अगर हम बात करें हमारे पास दो समान द्रव्यमान के, दो समान द्रव्यमान, जैसे आप एक किलो शहद ले लो और एक किलो पानी खरीद लो, क्या नहीं मिलेगा? किलो में तोलोगे तो नहीं होगा, होगा। अब देखो पानी और शहद की बात करें, शहद कम जगह लेगा एक किलो में और पानी ज़्यादा जगह लेगा, बोलो सही है। बट दोनों एक किलो है तो इसका मतलब दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। बट वॉल्यूम दोनों का क्या है, आयतन दोनों का क्या है? अलग। इसका घनत्व मान लो d1 है, इसका घनत्व मान लो क्या है, d2 है, बोलो ये है, दिख रहा है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर तुम्हें नेट डेंसिटी चाहिए तो नेट मास और नेट वॉल्यूम रखना पड़ेगा। नेट मास कितना होगा बच्चों? m प्लस m, दोनों मास तो सेम है। वॉल्यूम क्या होगा? v1 प्लस v2। अब v1 का वॉल्यूम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ? तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, बोलो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास से मास कटा, बोलो, और नीचे क्या बना? 1/d1 + 1/d2। तो d1 d2 कैल्सियम हो जाएगा, d1 + d2। आप सॉल्व करोगे तो सी आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? तो लिख लीजिएगा इसको, आप रिवाइज रिमाइंड करके, मतलब उसको आगे पीछे करके भी नोट कर सकते हो। किसी द्रव की श्यानता ताप के साथ क्या होगी? मान लीजिए एक श्यान द्रव यानी कि टूथपेस्ट है, क्या है? टूथपेस्ट है। मान लीजिए एक श्यान द्रव है, टूथपेस्ट ले लो, रोज मंजन करते हो, चिपचिपा होता है। अगर उसका तापमान आप बढ़ाओ तो उसका चिपचिपाहट बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहोगे सर घटना शुरू हो जाएगा, चिपचिपा कम होने लगेगा, पाउडर हो जाएगा। तो इसका मतलब तापमान बढ़ाने के साथ श्यानता घट जाती। किसी द्रव की श्यानता ताप के साथ कैसे होगी? डिक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। कैसे बदलती? किसी, देखो बोला हाउ डज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वेरी विथ टेम्परेचर, तो कैसे बोलोगे? इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, नो, इट डिक्रीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ गए कि नहीं? लिख लो। नेक्स्ट, वॉट एनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से लिखते हैं ना, क्यों लिख पाते हैं बच्चों? इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि चौक और बोर्ड एक दोनों अलग मटेरियल हैं। बोर्ड और चौक के बीच एक फोर्स लगता है जिसको असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंजक बल, ठीक। तो कौन सा आंसर? सी आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट, अब बोला क्या है, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री, ठीक, 20 ग्राम पानी में डाला जाता है, तो पूरे घोल का क्या मिक्सचर होगा? तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो ये आइस है, ये हमारे पास आइस है, कितने ग्राम की? 5 ग्राम, कितने डिग्री की है? 0 डिग्री। अब इसको हम पानी से मिला रहे हैं, कितना पानी है? 20 ग्राम है, और ये पानी कितने से? 40 डिग्री पे। तो बर्फ सबसे पहले क्या बनेगा? पानी बनेगा। कितने डिग्री का पानी बनेगा? 0 डिग्री। ये एक प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? ठीक, कितने ग्राम का है? 5 ग्राम का है, ठीक। अब दोनों पानी मिल बन गए तो ये आपस में मिल जाएंगे कि नहीं? तो आप ऐसे इसको मिक्सचर बना लो, ठीक, ये 20 ग्राम का है और ये क्या है? 5 ग्राम। दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? टी। अब यहाँ स्टेट देखो, यहाँ पे कितना प्रोसेस हुआ, एक तो पहले स्टेट बदला, फिर पानी ने अपने टेम्परेचर को चेंज किया, तो स्टेट बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ml प्लस mc डेल्टा टी, बोलो, ठीक। इसके बीच कौन सी हीट लगेगी? गुप्त ऊष्मा। इसके बीच विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ देखो पानी का टेम्परेचर 40 है, 40 से ये कुछ टी डिग्री पे आएगा, तो टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी ऊष्मा? क्योंकि बर्फ ऊष्मा लेगा तो इसी से लेगा। अब क्या बोल सकते हैं? ml mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, बोलो सही है कि नहीं? अब देखो इधर का मास कितना है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति बताता है, कैलोरीमिति का सिद्धांत बताता है। पानी है तो विशिष्ट ऊष्मा 1 होगी। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 माइनस टी, परिवर्तन कितना? 40 से टी आया। यहाँ कितना है? 5 है। गुप्त ऊष्मा कितनी होती? 80। मास कितना? 5। विशिष्ट ऊष्मा 1। टेम्परेचर में कितना अंतर आया? टी माइनस 0, तो टी माइनस 0 तो टी ही रहेगा। 8 × 5 = 40, ये 400 कितना हुआ? 5 टी, और ये कितना हुआ? 20, 40 माइनस टी, बोलो आया कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व करें, इतना पहले लिख लो बताते हैं, इतना लिख लो। लिख लिए इतना बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हो
5t है, इसको 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 600 हो जाएगा। देखिए 600 और इधर t को एक तरफ कर लो और सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 डिग्री। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आप टी निकाल सकते हो तो कितना आएगा, 16। मैंने आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट, थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल कहीं ना कहीं टेम्परेचर को रीड करता है। किसको रीड करता है? टेम्परेचर को रीड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक। अब देखो, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0, ठीक। अब कोई गैस है सपोज करो, ठीक, कोई गैस है, ठीक। इसमें क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल होंगे जो कि इधर 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 जाएंगे। आप 0 केल्विन कर दोगे, बहुत ठंडा कर दोगे, बोलो सही है। तो ये गैस का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। तो 0 केल्विन पर, ठीक, क्या बोला, क्या शून्य होगी, तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि दौड़ेगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। अब बोला क्या, dq क्या बोला है, du + dw = 0। तो du + dw = होता क्या है, dq। इसका मतलब dq की वैल्यू क्या है, 0 है। dq की वैल्यू 0 मतलब कब होती है, तो कहोगे बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अब बोला क्या है, एक इक्वेशन आपके पास दी है y = 3 sin ωt और दूसरा दिया है 4 cos ωt, बोलो ठीक है। ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है, कहीं ना कहीं आयाम है। अब बोला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। इस इक्वेशन को समझते हुए ये बताना है कि आयाम क्या होगा। तो अब देखो, साइन और कॉस, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कालांतर है वो π/2 का होगा। तो π/2 का जब कालांतर होता है तो आयाम का फॉर्मूला ये होता है, कितना हुआ, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 भाई, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16, 16 × 9 कितना, 25, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, सही है, समझ गए इतनी बात। नेक्स्ट, अ मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज। देखो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वस्तु भारी होगी कि हल्की, निकल गया तो हल्की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिक्रीज हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। तो पूछा क्या, मास क्या होगा, तो घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मास बढ़ जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल चार्ज। देखो बच्चों, q = cv होता है, q कॉफ क्या बोलते हो, कूलाम, सी को बोलते हो क्या, फेरेड, और वी को तो वी ही बोलते हो, तो f = क्या हो गया, cv इनवर्स, बोलो हो गया। तो क्या आंसर, डी आंसर क्या है, सही है, समझ गए। नेक्स्ट, ये बच्चों हमारा MKC हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक, जिसमें आप किसी भी तरीके से हेल्थ रिलेटेड इशू कोई भी हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। मेडिकल चेकअप सेशन एट मेजर कलसी, देखिए आप देख रहे हैं कितने टाइप ऑफ चेकअप्स हैं, तो आप इतना याद रखिए, सेकंड फेज में अगर मेडिकली फिट होना है तो एक बार मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में अपनी मेडिकल जाँच करा लीजिए, जिससे हम आपको क्लियर कर सकते हैं कि आप सेकेंड फेज के लिए क्या दिक्कतें हैं, मेडिकल क्या इश्यूज हैं, उसको समय रहते ही उसको सही कर लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम, कितना है, 4 ओम। नाउ स्ट्रेच टू लेंथ डबल, इसको डबल कर दिया गया, एल लेंथ का था, इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिएगा हमेशा, जितना भी कर दे उसको यहाँ रख दीजिए, डबल किया तो 2 कर दीजिए, और पहले रेजिस्टेंस कितना था, 4, तो ये हो गया 4 × 4, 4 × 4 = कितना, 16, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 16 ओम, सी आंसर क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू पावर P0 एंड वोल्टेज V0, ठीक। इफ द वोल्टेज इज V, ड्रॉ, देखो एक बल्ब है उसको आप V0 वोल्टेज, पावर उसका P0 है, ठीक। अब आप उसको वोल्टेज उसका V, इट ड्रॉ पावर P। तो बच्चों एक चीज इतना याद रखिए, रेजिस्टेंस बदलेगा क्या, नहीं, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज इक्वल टू V² / R होता है, तो R = क्या होगा, V² / P।
बोलो सही है ना। तो पावर तो कभी, रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप जो वोल्टेज दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर पी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट। बोलो, अब हमको P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और ये कितना P नॉट। बोलो सही है। तो कौन सा आंसर, A आंसर क्या है, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट, अब बोला क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज फर्स्टली, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने बताया, तो ओरस्टेड ने बताया। मैग्नेटिक कंपास को तार के बगल में ले गया और कंपास हिला तो समझ गया कि उसके सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट, एडी करंट में भी रिड्यूस, एडी करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं करंट को रिड्यूस करने के लिए आप इंसुलेटर ले आइए, बोलिए, और ये ट्रांसफार्मर में बेसिकली होता है। तो क्या करें, लैमिनेशन मतलब हम उस मैग्नेट जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, कोर प्लेट होती है, उसमें हम क्या करें, कहीं ना कहीं ऑयल लगा दें, ऑयल इंसुलेटर होता है, तो लैमिनेटेड कोर ऑफ स्टील, ठीक, तो स्टील की कोर होती है उसको लैमिनेट अगर कर दिए तो इंसुलेटर बन गया, करंट बनेगी ही नहीं। ए आंसर क्या है, करेक्ट, इसीलिए उसमें तेल डाला जाता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होती है वैल्यू ऑफ लाइट, 3×10⁸ होती है। बोलो सही है कि नहीं, ये सब बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं बच्चा ज़्यादा सोचने की वजह से इनको गलत भी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तो सीधा होता है, कहाँ रेडियस बनेगा, और अगर रेडियस बनाओगे तो कहाँ बन पाए, इन्फिनिटी होता है, क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट, बोला क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ द फार पॉइंट ऑफ शॉट, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप पावर का फॉर्मूला देखो तो 1/f होता है, तो f को हम क्या बोल सकते हैं, 200 सेंटीमीटर मीटर में करोगे तो ये हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5। कौन सा आंसर, ए आंसर है, बोलो क्लियर, ठीक, समझ गया बच्चों। तो इतना ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगला अपलोड जब भी होगा, अगला जो भी आपको थर्सडे को, हर थर्सडे फिजिक्स आपको मिलेगा एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में, तो बिल्कुल देखते रहिए, अपने कलेक्शंस को बनाते रहिए, और अपनी सफलता एक दिन तो सुनिश्चित होनी ही होनी है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।